टाइप्स ऑफ सिस्टम एंड वेज टू स्टडी सिस्टम, सिस्टम किस तरह के हो सकते हैं, ठीक है, और सिस्टम को स्टडी किस तरह किया जा सकता है। देखिए सिस्टम हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक स्टैटिक सिस्टम, एक डायनामिक सिस्टम। ठीक है, डायनामिक सिस्टम वो होता है जो टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा होता है, जैसे y इज इक्वल टू 3t फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ना। इसी तरह स्टैटिक सिस्टम वो होता है जो टाइम के लिहाज से चेंज नहीं हो रहा होता, जो टाइम के चेंज होने के बाद उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उसको स्टैटिक सिस्टम कहते हैं। जिसकी टाइम बदलने के साथ वैल्यू चेंज होती जाती है उसको हम डायनामिक सिस्टम कहते हैं। सिस्टम को स्टडी किस तरह किए जाते हैं, एक तो पहला तरीका तो वो है कि आप एक्चुअल सिस्टम के साथ एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है, एक्चुअल सिस्टम के साथ एक्सपेरिमेंट करना काफी कॉस्टली होता है, काफी डेंजरस भी हो सकता है, तो हम क्या करते हैं सिस्टम को मॉडल बना लेते हैं। ठीक है, सिस्टम को मॉडल बना लें, उसको मैथमेटिकल मॉडल बना लें, फिजिकल मॉडल बना लें या कंप्यूटर बेस्ड मॉडल बना लें। अगर मैथमेटिकल मॉडलिंग है तो उसके अंदर एक एनालिटिकल सॉल्यूशन होता है, दूसरा सिमुलेशन वाला सॉल्यूशन होता है। सिमुलेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी डोमेन, टाइम डोमेन और हाइब्रिड डोमेन, ये तीनों चलते हैं। सही है, तो इस तरह से हम किसी भी सिस्टम को स्टडी कर सकते हैं।